हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजेबल की इंग्लिश क्लासेस। आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन बुक का सेकंड चैप्टर बोली। इस चैप्टर को मैंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आज हम ले रहे हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi the Simpleton. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से हर कोई उसे भोली कह रहा था, the Simpleton, बुद्धू। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head, वह सर के बल चारपाई से गिर गई थी, and perhaps it had damaged some part of her brain, और शायद इससे उसके दिमाग का कुछ हिस्सा वो क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child, इसलिए वह एक बैकवर्ड चाइल्ड वो रह गई, एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसे भोली के नाम से जाना जाने लगा, द सिंपलटन, बुद्धू। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जन्म के वक्त बच्ची बहुत फेयर थी और सुंदर थी। फेयर यानी गोरी थी और सुंदर थी। बट वेन सी वाज 2 years old, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उस पर चेचक का एक आक्रमण हुआ था। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर चेचक नाम की एक बीमारी का आक्रमण हुआ था। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें ही बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, लेकिन पूरा का पूरा शरीर वो डिसफिगर हो गया था, बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, गहरे काले काले निशानों से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5, नन्ही सुलेखा बोल नहीं सकती थी जब तक वह 5 साल की थी। एंड वैन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और आखिर में जब उसने बोलना सीखा, सी स्टेमर्ड, वह हकलाती थी, द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, दूसरे बच्चे उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, सी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम। रामलाल हैड 7 children, रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध किसान का घर था, एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, सभी बच्चे भोली को छोड़ कर के स्वस्थ और मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, बेटों को शहर में स्कूलों में और बाद में कॉलेजों में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और बेटियों में राधा सबसे बड़ी, उसका पहले से ही विवाह हो गया था। द
सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी बेटी मंगला का विवाह है वो भी सेटल हो गया था, तय हो गया था। एंड वेन देट वॉज डन, और जब वो भी हो गया था, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल तीसरी बेटी चंपा का सोचता था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे अच्छी दिखने वाली और स्वस्थ लड़कियाँ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए दूल्हे तलाश करना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो उसकी शक्ल अच्छी थी न उसमें बुद्धि थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 वर्ष की थी जब मंगला का विवाह हुआ था। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज, उसी साल एक प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए उनके गांव में खोला गया था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एक राजस्व अधिकारी के रूप में तुम गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ सी क्राइड, उस रात जब रामलाल ने अपनी बीवी से विचार विमर्श किया, सी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी उनसे कौन शादी करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर साहस नहीं था तहसीलदार की बात न मानने का। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आखिर में उसकी बीवी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो, एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसका विवाह होने के न के बराबर चांस है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसकी जो भद्दी शक्ल है और उसके अंदर जो सेंस की कमी है, इसलिए लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के जो अध्यापक है उनको उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाई हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई, सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि एक स्कूल क्या होता था। सी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद था किस तरह से कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी है उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। नो, सी शाउटेड इन टेरर, वह भय के अंदर चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से अपने हाथ को खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, तुम्हारे साथ क्या मामला है यू फूल, बेवकूफ, शाउटेड रामलाल, रामलाल जोर से चिल्लाया, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी बीवी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टूडे, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ।
Or else, what will the teachers and the other school girls think of us? नहीं तो टीचर्स और स्कूल की दूसरी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेगी? When they see her, जब ये इसे देखती है. New clothes had never been made for Holi. नए कपड़े होली के लिए कभी भी नहीं बनाए गए थे. The old dresses of her sisters were passed on to her. उसकी बहनों की जो पुराने ड्रेसेस है वो ही उसे दी जाती थी. No one cared to mend or wash her clothes. कोई भी उसके कपड़े धोने की और उन कपड़ों को सही करने की परवाह नहीं करता था. But today she was lucky to receive a clean dress. लेकिन आज वो भाग्यशाली थी एक साफ सुथरी ड्रेस पाकर. Which has shrunk after many washings, जो कि कई धुलाइयों के बाद सिकुड़ गई थी. And no longer fitted Champa, और अब चंपा को फिट नहीं आती थी. She was even bathed, उसे नहलाया भी गया था. And oil was rubbed into her dry and matted hair, और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल भी लगाया गया था. Only then did she begin to believe, तभी उसे विश्वास हुआ, that she was being taken to a place better than her home. केवल तभी उसे विश्वास हुआ कि उसे घर से बेहतर जगह पे ले जाया जा रहा था. When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वे विद्यालय पहुंचे, बच्चे पहले से ही कक्षाओं में थे. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने हेडमिस्ट्रेस को अपनी बेटी को सौंप दिया. Left alone, अकेला छोड़ दिया. The poor girl looked about her with fear-laden eyes. उस बेचारी लड़की ने झुकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा, प्रध्याना दीपिका की ओर देखा. There were several rooms, वहाँ पर कई कमरे थे. And in each room, girls like her squatted on mats, और प्रत्येक कमरे के अंदर उसकी तरह की लड़कियाँ चटाई पर बैठी हुई थी. Reading from books, किताबों से पढ़ रही थी. और writing on slates, और स्लेट्स पर लिख रही थी. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. Headmistress ने भोली को क्लासरूम के कोने में बैठने के लिए कहा. Bholi did not know what exactly a school was like. Bholi नहीं जानती थी कि एक स्कूल किस तरह का होता था. And what happened there, और वहाँ क्या होता था. But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वो वहाँ पर अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को पा करके खुश थी. She hoped that one of these girls might become her friend. वह आशा करती थी कि इन लड़कियों में से कोई एक उसकी सहेली बन सकती है. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. Lady teacher जो क्लास में थी वह लड़कियों से कुछ कह रही थी. Bholi could understand nothing. Bholi कुछ न समझ सकी. She looked at the pictures on the wall. उसने दीवार की तस्वीरों की ओर देखा. The colors fascinated her. रंगों ने उसे मोहित कर लिया. तस्वीरों का जो रंग है उस रंग ने उसे मोहित कर लिया. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. घोड़ा वो भूरे रंग का था, ठीक वैसा ही घोड़ा जिस पर तहसीलदार साहब उनके गांव का भ्रमण करने के लिए आए थे. The goat was black like the goat of their neighbor. बकरी काली थी, ठीक वैसी जैसे कि उनके पड़ोसी की बकरी थी. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard.
और तोता हरे रंग का था, ठीक वैसा ही जैसा कि उसने आम के बगीचे में तोते देखे थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय ठीक वैसे ही जैसे कि उनकी लक्ष्मी नाम की गाय थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, और अचानक भोली ने ध्यान दिया कि अध्यापिका उसके पास खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, नन्ही तुम्हारा नाम क्या है? भ भो भो, सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वह इससे ज़्यादा और नहीं हकला सकी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. फिर उसने रोना शुरू कर दिया और आंसू लगातार उसकी आंखों से बहने लग गए। She kept her head down. उसने अपना सर नीचे कर लिया। As she sat in her corner, जो ही वह अपनी जगह में बैठी। Not daring to look up at the girls. और उसकी हिम्मत नहीं हुई लड़कियों की ओर ऊपर देखने की। हु सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, वह जानती थी कि वे अभी उसकी ओर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी थी, ऑल द गर्ल्स स्क्यूरीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां कक्षा से बाहर चली गई थी। बट भोली डेड नॉट लिव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की अपनी जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, वह सुबकने लग गई। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सुदिंग, अध्यापिका की आवाज़ इतनी मधुर और मीठी थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में उसको इस तरह से नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके हृदय को छू लिया, यानी अध्यापिका की मधुर आवाज़ ने उसके हृदय को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, यह एक आदेश नहीं था बल्कि एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई थी। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छूट गया था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान दोबारा उसका अपमान करेगी? फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस दयालु महिला की खातिर, However, फिर भी सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया। सी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उसकी ओर नहीं हंसेगी। भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टेमर, उसने लड़खड़ाना शुरू किया। वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। द टीचर इंकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया। कम ऑन नाउ, और आगे बढ़ो। द फुल नेम, पूरा नाम। भ भ भो, भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट, आखिर में वह इसे कहने में समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और आराम महसूस किया। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, मानो कि यह एक बड़ी उपलब्धि थी। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, अध्यापिका ने स्नेह से उसे थपथपाया और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी सभी की तरह बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ऊपर देखने के लिए खड़ी हुई, मानो कि सच हो। रियली, वास्तव में। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम सिर्फ रोज़ाना स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड,
बोली ने हाँ की मुद्रा में सिर झुकाया। वॉच द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन टू नो मोर अबाउट द लेसन। इस लेसन के बारे में और अधिक जानने के लिए इस लेसन का थर्ड पार्ट देखें। थैंक्स।